गुड मॉर्निंग। आज है हमारा गोवा का सेकंड डे और हम अपने रिजॉर्ट में हैं। सुबह हो गई है, 7 बज गए हैं। अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। मेरे को तो उठा दिया राहुल ने। अभी हम सबको बताना है। बाकी टोनी उठ चुका है, वो सुबह से मैसेज कर रहा है। उसको नींद नहीं आती है, रात को भी मैसेज कर रहा था। देखो ब्रेड लगा हुआ है। मुझे लगा 7 बजे खुलता है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे खुलता है 8 बजे। लेकिन अच्छा हुआ ना, 7 बजे खुलता है बोल के कि हम पहुँचे 8 बजे। अब 8 बजे बोलता है तो सब लोग पहुँचते 9 बजे, तो सही टाइमिंग सही है। वैसे राहुल भाई क्या कहना आपको इस बात? मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात पर विश्वास करता। आप तो समर्थन करोगे नहीं कुछ भी, रहने दो। ये विपक्षी दल है। बस इतने प्यार से सोने में दिया, बीच में कोई मैसेज भी नहीं। और इन दोनों को देखो, इनको तो इतना मैसेज किए, कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। और ये भाई साहब थे बिल्कुल सोने वाले नहीं। 4 दिन था वो, मैंने लगा दिया 4 दिन पे। अब लगा था और फिर सो गए। 4 दिन मिलाई नहीं और फिर सो गए। 4 दिन मिलाई नहीं, अब मिल गया, वो बैग में रख दिया था। ऐसे है यहाँ पे हमारे साथ साथी है भाई। हाँ कैसा लग रहा है आपको? ये लो, ये पकड़ के चल। डर लग रहा है तो? बहुत गहरा है रे। अरे नहीं ठीक है यार, इतना ठीक है। क्या नहीं चाहिए करके दिखाना? नहीं चाहिए तुझे? ये मजेदार टिक नहीं रहा? भाई मेरा तो तुम ग्राफ हो गया। ये अब राहुल की एंट्री होने वाली है स्विमिंग पूल में। ये हमारे एकदम प्रो स्विमर है, ये लाइफ गार्ड भी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है आई एम इन पैराडाइज। ओरियो की पैराडाइज की क्वीन। थोड़ी देर इस क्वीन को दूर कर दो भाई, पैराडाइज में आ जाओ। दोनों किंग और क्वीन सिम कर लाते नहीं दोनों को? हाँ यार, तू नहीं कह रही कि तू अभी बदले? जब ये लगा पकड़ रखा, किसको पकड़ के रखी था? पकड़ तो रखा, डर क्यों रही हो? गोरे तो धरो ना यार, गोरे सब काले हो रहे हैं। चलो चलो यार, पैर नीचे रखोगे तो सिम कैसे करोगे? पैर उठाओ नीचे से। बस एक फोटो ऐसे करो, थोड़ा सा वीडियो बना ले जो वो मत करो। हां बस हल्का सा। नाउ आई एम गोइंग टू ये है ना बात। यो 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 टेक लाइक दैट एंड लाइक डन। ये सही है। नाउ आई एम लाइक डन।
हमारी सर्विस बहुत ही बढ़िया, एकदम उम्दा सर्विस। इसके लिए हम आपको देंगे 200 पॉइंट्स। 200 रुपीस दे देना। 200 रुपीस लायक नहीं आप। कितना सही लग रहा है। आ जाओ। अरे तैर रहा था। और ये तो सुबह है, मतलब कोशिश कर रहे थे आते सी, जिस तरीके से आ रहे ऐसा लग रहा है एकदम परोसी भर है। और ये इंटरेस्टिंग करने दूसरे ब्लॉगर आ गए, ये दूसरे ब्लॉगर का हस्बैंड आ गया हमारे ब्लॉग में इंटरेस्टिंग करने। अर्पिता ये ना चल, वो ऐसे नहीं चलेगा, बंदे भेज दिए तुमने, भाई साहब सीधा डिलीट करवा दो, सीधा रिपोर्ट करता है, ऐसे बंदे मत भेजो भाई। तो मस्त एकदम मजा आ रहा है। और ये जो रिसॉर्ट है ये भी काफी अच्छा है। सिर्फ 9:30 बजे हाँ, सिर्फ 9:30 बजे, पता क्यों? हम जल्दी उठ के जल्दी सब कुछ कर लिया। रिसॉर्ट से निकलकर कोलवा तक पहुंचने का जो हमारा सफ़र था वो बहुत हैपनिंग रहा। कोलवा पहुंचने के लिए हमने गूगल मैप्स का यूज़ किया, बट हम गलत साइड पहुंच गए और फिर हम यहां से कोलवा की मेन एंट्री के लिए निकले। तो ये है कोलवा बीच, हम कोलवा बीच पहुंच गए हैं। एज यू कैन सी के ये बीच कितना पीसफुल है और कितना साफ़ है। यहाँ पर सामने जो समुद्र का पानी है वो बिल्कुल नीला है, देखने में ऐसा लग रहा है कि आकाश और जो समुद्र है वो आपस में मिल रहे हैं। इस जगह की खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आज का सेंस हमारा टाइम यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाया। किसी की गलती नहीं है, हो गया, लेकिन अगर हो भी गया तो उसका पनिशमेंट होना चाहिए ना। तो उसका पनिशमेंट हम आज इनको दें कि कल इनको दें? कल लेते, कल दे देंगे। आज बोला कल देंगे तो कल देंगे। आज ये हम आज रात को सोचेंगे कल क्या देंगे। देखो आज आज अर्पित है से बाइंग सम एंकलेट्स फॉर हरसेल्फ। शी इज कंफ्यूज्ड बिटवीन वन टू चूज। कौन सा लेना चाहोगे? कितने का दीदी है वाले? 150 का। 150 का कितना कम करके दोगे आप? अरे दीदी बहुत महंगा दे रहे हो आप तो। 4-5 पीस और ये आ रहा है हमारा गर्ल्स गैंग। यहाँ आकर आप वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यहाँ जेट स्की है, बनाना राइड्स है और पैरासेलिंग है। वैसे तो पैरासेलिंग बीच समुद्र में ले जाकर होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत तेज़ लहरें थी इसलिए अंदर ना ले जाके किनारे पर ही पैरासेलिंग करा रहे थे। और यहाँ हम एक ट्रांजिशन बनाने की कोशिश करते हुए searching for a crab. Crabs are trying to go to their home, but Dan is trying to pull them out of their homes. Oh, stand up, Mom. Mom will help you. Mom is there. जैसे जैसे शाम होती जा रही है लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं।
ये बीच उस समय बहुत सुंदर लगता अभी भी सुंदर है, बट क्या कि अब थोड़ा सा क्राउड बढ़ गया, भीड़ बहुत हो गई है। तो अगर आप कोलवा बीच आने की सोच रहे हैं तो आप दोपहर में आइए या फिर सुबह के टाइम में मॉर्निंग आइए, तो आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा। अगर आपको क्राउड पसंद है तो आप शाम को आइए तो आपको क्राउड मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ का जो बीच का जो इवनिंग मजा है ना, जो बीच का जो इवनिंग का लाइफ है आपको इवनिंग का मिलेगा। लेकिन अगर आप पीस चाहते हैं तो आप शाम को आइए, दोपहर में आइए, आपको इतना प्यारा मिलेगा, आपको इसका कोई तोड़ नहीं, इतना प्यारा है बीच। यहाँ का रेत भी बहुत प्यारा है, यहाँ का पानी बहुत प्यारा है, पानी का कलर बहुत अलग है, बाकी बीचों से बहुत अलग है। अगर आप बागा जाते हैं, बागा का पानी गंदा पानी है। वहाँ का थोड़ा सा क्राउड भी, मैं कहूँगा कि वहाँ क्राउड भी थोड़ा सा अलग है, मतलब वो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आप पैसे खर्च कर गोवा रहे तो आपको बागा क्राउड इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना क्राउड यहाँ का अच्छा है। तो अगर आप कोलवा बीच आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मतलब हम दोनों आपको सजेस्ट करेंगे कि आप दोपहर में आइए या मॉर्निंग में आइए, आपको बहुत प्यारा, मॉर्निंग में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा। अभी एक्चुअली हम लोग सुबह से, मतलब दोपहर से हैं हम लोग, तो तब तो खाली था, तब तो हम लोगों को बहुत मजा आया। अभी क्या हो गया, भीड़ हो गई है बहुत ज्यादा, तो जैसे सनसेट देखने के लिए लोग आते हैं, तो सनसेट देखने के लिए लोग आए, अभी कैंडल लाइट यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो रात को वैसे अलग मजा है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी खाली शांति चाहिए तो आप दिन में आइए। और अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है तो ये वाला बीच ये बेस्ट है। आप यहाँ पैरासीलिंग कीजिए, बनाना राइड कीजिए, जेट स्की कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्यारी जगह है। आप आइए, इंजॉय कीजिए, शेक का मजा लीजिए, खाइए पीजिए, इंजॉय कीजिए, यही गोवा का मजा है असली। बीच की मस्ती के बाद अब हो जाए थोड़ी पेट पूजा, तो हम यहाँ खा रहे एक शोरमा रोल, देखने में बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। ऑनलाइन पेमेंट है? ये क्या है, नॉर्मल है, तीन नॉर्मल है, इसको मैं यहीं पर रख दूँ अभी, ठीक है। गरम बोलो भैया, गोवा के ये रास्ते, ये सड़कें, किसी नागिन सी बलखाती ये सड़कें, इन सड़कों का ये सफ़र जी चाहता है बस यूं ही चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो ये रास्ते, ना ख़त्म हो ये सफ़र, ज़िंदगी चलती रहे, चलता रहे ये सफ़र। थके हुए बहुत लग रहे हैं हम, लेकिन अभी हम लोग अपना जो रिसॉर्ट है उसमें बाहर बैठे हैं, पूल साइड के पास में, पूल साइड पे बैठे हैं और ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे बैठ के अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसे ओपन है, खुला है, तो हवा भी अच्छी लग रही है। ये अंधेरा इसलिए हुआ क्योंकि रात हो गई है 11:30 बज रहे हैं, रेस्टोरेंट उसकी लाइट बंद हो गई है, मतलब वो भी कह रहे भाई जाओ सो, हमें भी आराम करने दो। बट यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है और इतना सुकून मिल रहा है, हम लोग बैठे हैं, सभी लोग बैठे इधर, हमारी आधी पार्टी चली गई है, वैसे आधी पार्टी इधर बैठी है, आधी पार्टी उधर लेटी है। और हम यहाँ बैठे हैं, मतलब अच्छा है, शहर से दूर है, शहर की दौड़ भाग से दूर। हालांकि अगर आप कभी प्लान करते हैं तो इस रिसोर्ट में आके रुक सकते हैं,
बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। नहीं तो ये मत बोलो फिर ये महंगा कर देंगे। नहीं नहीं मतलब जो अभी नहीं बहुत ज़्यादा महंगा मतलब 5-6 हज़ार रुपये तो लोग मान के लेके चलते हैं ना, उससे तो फिर भी बहुत सस्ता है। कह रहा हूँ कि ये मत को महंगा नहीं है वरना ये महंगा कर देते हैं पता है। अच्छा महंगा नहीं है ले तेरी।